Hey there, all exporters and importers, how are you all? So once again, this is Viral Shah from iiiiEM और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है into this hashtag Ask iiiiEM. Hashtag Ask iiiiEM जहाँ पे हम लोग बातचीत करते हैं आपके queries और questions के बारे में. आज के questions की अगर हम लोग बात करें, so that is from Senjan Kiriti. उन्होंने ऐसा question पूछा हुआ है कि hi ma'am, it is a good idea to upload all the license and certificates on the website or not? Right? मुझे मेरे पास जितने भी certifications हैं, जितने भी licenses मेरे पास हैं और अक्रीडिएशन जो होते हैं वो सारे लाइसेंसेस को एसोसिएशन जो हमारे होते हैं उनके मेंबरशिप्स के सर्टिफिकेट्स को मुझे मेरी वेबसाइट पे अपलोड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. अगर मैं बात करूं संजन जी कि अगर हम लोग ये सारे सर्टिफिकेशन, देखो हम लोग जब बायर को अप्रोच करते हैं ना, तो बायर जैसे हमारा एक हमेशा आइडिया ये रहता है कि बायर जेन्युइन है या नहीं है, उसी तरीके से बायर का ये कंसेप्ट रहता है कि सेलर जेन्युइन है या नहीं है. और सेलर जेन्युइन है या नहीं है ये कहां से पता चलेगा, तो उसके सर्टिफिकेशन से पता चलता है, उसके मेंबरशिप से पता चलता है, उसके लाइसेंसेस जो होते हैं वहां से उसको पता चलता है. एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू अपलोड ऑल ऑफ योर सर्टिफिकेशंस ऑन द वेबसाइट्स और ट्राई टू गेट द मैक्सिमम सर्टिफिकेट. एक सिंपल आइडिया ये करो, देखो जैसे हमारे आपके प्रोडक्ट के अंदर जो बाकी के एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि एक्सपोर्टर्स ऑफ पेपर कप इन इंडिया, ऐसे करके आप सर्च करोगे तो गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर कुछ वेबसाइट्स आएगी, एक्सपोर्टर्स ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया, ऐसे करके आप करोगे तो काफी सारी इंडिविजुअल कंपनी की वेबसाइट्स आएगी. उन वेबसाइट्स को अगर आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल कम टू नो दिस कि उन्होंने भी अपने सारे सर्टिफिकेशंस और अपने सारे लाइसेंसेस को उसके ऊपर अपलोड करके रखा हुआ है. द सेम वे अगर आप चाइनीज एक्सपोर्टर्स की वेबसाइट देखोगे या चाइनीज एक्सपोर्टर्स का लिस्टिंग ऑन द अलीबाबा, बहुत सारे बिकॉज चाइना एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव है, अगर आप चाइना के बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जो अलीबाबा से मैनेज करते हैं अगर वहां पे जाके भी आप चेक करोगे तो उनके लिस्टिंग्स के अंदर भी उनकी कंपनी के सारे सर्टिफिकेट्स आपको वहां पे डिस्प्ले में मिल जाएंगे. दिस इज द रीजन दैट बायर इज गोइंग टू ट्रस्ट यू. बायर को आप क्लियरली अपना ऑथेंटिसिटी जनरेट कर रहे हो, वहां पे दिखा रहे हो एंड अकॉर्डिंगली वो उस बॉडी में जाके चेक भी कर सकता है. जैसे आपके पास अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अगर आप डील कर रहे हो, आपने अपेडा का लाइसेंस वहां पे रखा हुआ है तो अपेडा में इंक्वायरी करके वो चेक भी कर सकता है दैट ही इज द मेंबर और नॉट, एंड अकॉर्डिंगली उसको ये पता चल जाएगा येस यू आर द मेंबर एंड यू आर द जेन्युइन वन. तो ये आपकी ऑथेंटिसिटी क्रिएट करता है या आपकी एक क्रेडिट बनाता है मार्केट के अंदर. एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने सारे जितने भी एंड ट्राई टू गेट द मैक्सिमम एंड मोर सर्टिफिकेट्स, मोर एंड मोर लाइसेंसेस, मोर एंड मोर एसोसिएशंस मेंबरशिप्स अगर आप गेन करते हो और वो सारे लाइसेंसेस को आप अपने वेबसाइट पे रखते हो, राइट, इट इज ऑलवेज गुड आइडिया, राइट. सो होपफुली संजन जी आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आई होप यू विल लाइक इट. और अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, प्लीज पुट अप इनटू द कमेंट्स एंड वी विल बी बैक विद अ वीडियो इटसेल्फ. और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ या अपने जो बिजनेस पीपल हैं आपके साथ अटैच्ड हैं उनके साथ शेयर कीजिए एंड उनको भी यहां से बिकॉज मोर देन 434 क्वेश्चंस के ऑलरेडी हम लोगों ने हैशटैग आस्क iiiiEM के अंदर क्वेश्चन के आंसर दे चुके हैं. इसके अलावा भी काफी सारे वीडियोस हैं जो रेयर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, दैट इज अवेलेबल ऑन दिस यूट्यूब चैनल. तो यहां से आपको मैक्सिमम नॉलेज मिल जाएगा एंड आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो. तो आइए हम सब लोग मिलते हैं, आपका हमारा भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं और भारत के वो सुनहरे दिन भारत के अंदर वापस लाते हैं. सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.